हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बकलम की जय। से कल की वीडियो आपने देखी होगी, शॉर्ट में मैंने डाली है, बाकी वीडियोस बन रही है। कल का दिन बहुत 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 अच्छा गया। कल के दिन मैंने फुल्ली अपने ऊपर पूरी इंडिपेंडेंट होके पूरा काम किया है। सबसे बड़ा थैंक यू सो मच अन्नू जी। परसों भी उन्होंने रुद्राभिषेक में बहुत सारा मेरा काम वो किया, और कल रक्षाबंधन की तैयारी में भी उन्होंने जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बहुत अच्छा। एक्चुअली किसी ने सोचा नहीं था कि 4 साल बाद इस तरह कमबैक करने के बाद इतना पूरे खचाखच हॉल भरेगा। वो हॉल भरे थे क्योंकि आधे जन बाहर थे, आधे जन आए भी नहीं थे। करीबन राखी बांधने में ही सब, हम लोगों ने कुछ 8 बजे से शुरू किया था, राखी बांधते बांधते ही मुझे 9:30 बज गया था, ऐसा हो गया था, 9:30-10 बज गए थे। मतलब इतना अच्छा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने तक राखी बांधी, ये सबका प्यार है, बहुत सारा कमबैक। थैंक यू सो मच अनीता ताई, वो जो आए थे, रेशमा ताई जो बहुत अच्छे सीरियल्स में इतना काम करते, मतलब उन्होंने भी इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया, बहुत बहुत अच्छा। ये हमारी औरतों का एक, जो औरतों का एक कहते ना, एक गठबंधन है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। कोशिश तो लोगों ने की थी कुछ ख़राब करने की, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे काम में कभी अड़चन नहीं आती है। और मेरी अन्नू जी एक्चुअली उस तरह से इंतज़ाम करके आई थी, क्योंकि आप किसी को पता नहीं है कि अन्नू जी जब आती है ना, जब हम लोग ऐसा कोई बड़ा फंक्शन या कुछ रखते हैं ना, तो वो 3-4 जनों को बाहर ऑलमोस्ट सेट करके आती हैं कि बाई चांस अगर कुछ लफड़ा हुआ फ़ोन किया तो तुरंत के तुरंत पहुँच जाना जगह पर। इस तरह से उन्होंने बाहर आदमी सेट किए थे। मैंने भी कुछ आदमी सेट किए थे, लेकिन वो कुछ काम के ही नहीं थे, मतलब उन लोगों को अपने पीने खाने से फुर्सत ही नहीं थी, तो उनका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या है ना, कोई बात नहीं, मेरे रमेश भाई जिन्होंने पूरा वीडियो अच्छे से निकाला। फिलहाल मैंने एक देखा है कि मैं जो मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको जो काम देती हूँ उन्होंने बखूबी निभाया, और कुछ लोगों को जो काम देती हूँ उनको काम निभाने का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था, वो अपने में ही थे, वो अपने ही ईगो में थे। सब अपनी, सब हमारी औकात निकालने को देखते हैं, जाने दो, अब ये सब बातें नहीं। हमारा कमबैक बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, कल मैंने डाला था कि रक्षाबंधन के दिन 21,000 की अगर कोई शक्ति लेता है कम से कम में, तो उसको 11 लाख का फ़ायदा होगा 10 दिन में, है ना, मैंने बोला था ना आपको 10 से 15 दिनों में। तो ये बात बहुत अच्छी हुई है, कल कम से कम 3 से 4 लोगों ने ये काम किया है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जिस, ये बहुत अच्छी बात है, आज भी अगर कोई करे से ले सकता है, क्योंकि कल रक्षाबंधन, तो आज भी चाहे तो फटाफट अपना नाम फ़ोटो एड्रेस दे के काम करा सकते हैं। क्योंकि ये मैंने, मतलब कहते हैं ना, 4 साल के बाद जो एक कमबैक दिखाया ना, वो मेरी अन्नू जी का एक वो था कि विद्या जी जरा आप सामने, और अन्नू जी ने जो स्पीच दिया है, वाह, वो एक्चुअली मेरी रक्षा करती, मैं क्या करूँगी। लेकिन बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब कुछ बहुत बेस्ट हुआ। कुछ लोगों ने जो बिगाड़ने को देखे, तो कहावत है ना, किसी के बिगाड़ने से कोई चीज़ ना बिगड़ती है ना बनती है। कल पहली बार मैंने, आपको सच बोलूँ ना, मैंने हाजिता को कहा, ना सुनीता को कहा, ना स्नेहा को कहा कि बंदिश मारो, ये करो, फलाना करो, ढेकाना करो, कुछ नहीं। कल मैंने सब कुछ अपने धावजी पाटिल पे छोड़ दिया था, और मैंने अपनी अन्नू जी पे छोड़ दिया था। अन्नू जी ने कहा था, बेफिक्र रहो, डोंट वेरी, अभी विद्या जी आपका फंक्शन जरा भी नहीं बिगड़ेगा, बाहर ऑलमोस्ट आदमी खड़े हैं, इंतज़ाम करके आई हूँ मैं, ज़रा सा अगर किसी ने लफड़ा किया, ज़रा सा चूचा किया, मार खाए बगैर नहीं जाएगा, आप बस पार्टी में एंजॉय करो। सबसे बड़ा थैंकफुल विपुल भाई, जिन्होंने मेरे पूरे कैटरेस का, पूरे डेकोरेशन का काम संभाला था, थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने बेस्ट खाना, बेस्ट सब कुछ रखा था, कोई भी हमारे पार्टी से नाराज़ होके नहीं गया, उल्टा सब जो 9 बजे जाने वाले सबके सब घर पे 10:30-11 बजे तक सब गई है। थैंक यू फॉर अन्नू जी के सब महिला मंडल, कम से कम 20 से 25 महिला मंडल आई थी, कविता करके किसका तो है, उनका नाम कविता है शायद, वो महिला मंडल एक ऐसी है, उनका हमको इसलिए दिखाना था क्योंकि वो महिला मंडल ऐसी हैं, अन्नू जी ने बताया किसी भी राखी बांधने नहीं आएंगी, विद्या जी इनको मैंने इसलिए लाया है कि ये औरतें जो सिर्फ राखी बांधने नहीं आ सकती है, एमरजेंसी कभी भगवान ना करे, ये जो इधर सब लोग चूचा करते हैं ना गोराई में, इधर उधर जो चोच निकालते हैं ना, औकात निकालते हैं ना आपकी, उनकी औकात निकालने के लिए ये सारी की सारी महिला मंडल आपके एक आवाज़ पर आ जाएंगी, ये याद रखना। और कसम से कल हमने किसी को कोई पैसे वैसे, हर बार किसी को कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दिए, सारे सेलिब्रिटी सब कुछ अपने तरीके, हाँ जो मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया वो दिया, ये बात है। इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू सो मच अन्नू जी, क्योंकि अन्नू जी ने कहा था बाहर तो आदमी खड़े ही खड़े थे, विद्या जी हॉल के अंदर जितनी महिला मंडल बैठी थी ना, वो आपको दिखने में सीधी लग रही थी, लेकिन सब झाड़ू बेलन उठाने वाली है,
ये बात है। और भी कुछ लोगों पे ध्यान दिया है, अनु जी ने भी कुछ लोगों पे ध्यान दिया है। तो अनु जी ने कहा डोंट वेरी विद्या जी, जब जरा नंगे हाथ पकड़े जाने दो तो हम देखेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या है ना, वो मेरे प्रभु की भी आदत है, वो भी समझते नहीं है, तो उनके ऊपर भी कितने लोगों की नज़रें थी, हमने किसी के एक दो जनों की नज़रें पकड़ी। तो अनु जी ने कहा कोई नहीं, बाद में देखेंगे, तो जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन थैंक यू सो मच, सच में कल का बहुत बहुत अच्छा हुआ। कल रक्षाबंधन है, पूर्णिमा का काम है, कल नमक का काम होगा, मुठकरनी का काम होगा। देखो मेरा रक्षाबंधन, मेरे दो बच्चे हैं, हम लोग बनाएंगे, लेकिन कल हम लोग अपनी पूजा पाठ से पीछे नहीं हटते। कल के दिन दुश्मनों को बीमार करने का काम, मुठकरनी का काम, दो लोगों को अलग करना, ताल बेताल का काम, नमक का काम, ये सब बखूबी बहुत बहुत अच्छे से होने वाला है। अगर किसी को चाहिए तो नाम लिखा दो। और अभी भी मैं कहूँगी, अगर सही में अभी भी अगर किसी को इस 11 लाख के गिफ्ट का प्राइस चाहिए तो फटाफट ये पूजा शुरू करो। मतलब कोई भी छोटी शक्ति लो, नॉर्मली 21,000 से शुरू है, लेकिन मैं बोलूँगी अगर करनी है तो कम से कम 50-60,000 तक की लेना ही शक्ति कि आपको बड़ी रकम का फ़ायदा हो। लेकिन नहीं, कम से कम छोटी लो कि एटलीस्ट आपके घर में किसी को हेल्प मदद हो सके, ऐसी बात है। बाकी बस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एज ए कम बैक। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कहीं जाऊंगी दरिया के किनारे, अपने आप की खुशी महसूस करूंगी कि हाँ मैं खुश हूँ, विद्या देवी इज़ कम बैक। उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लूँगी क्योंकि कल रक्षाबंधन है, उसके बाद मैं घर आऊँगी। बस अब मुझे किसी का नहीं सोचना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई नाराज़ होता है या कोई दुखी होता है, क्योंकि सबको मस्का मारने के चक्कर में मैं कहीं खो गई थी। लेकिन नहीं, अब मुझे अपनी आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी अनु जी ने यही कहा है वीडियो में, अब आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी, विद्या जी कम बैक बहुत अच्छा हुआ है, अब बस आप काम पे ध्यान दो, हम आप सब आपके पीछे हैं। तो बस थैंक यू सो मच, लव यू अनु जी, आप हो तो सब कुछ है। मतलब आपने कल साबित कर दिया, आप मुझे अपना भाई बोलती हैं लेकिन आप ही मेरी रक्षक बन के खड़ी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना मान देने के लिए। अब आगे के फंक्शन तो हम बड़े धूमधाम से करने वाले हैं। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें। और एक और प्रॉमिस है, इस बार की नवरात्रि गणपति भले यहाँ बैठेगी क्योंकि तुरंत तो चाबी मिलेगी नहीं मुझे घर की, लेकिन मेरी नवरात्रि, मेरी माता जी की मूर्ति तो मेरे खुद के घर में ही बैठेगी। भले मैं बाद में शिफ्टिंग धीरे धीरे करूँगी, लेकिन खुद की नवरात्रि मेरे घर में बैठेगी और सारा इंतज़ाम मेरे बच्चे करेंगे। इस बार मैं अपने बच्चों को जिम्मेदारी दूँगी कि अपने हिसाब से डेकोरेशन करो, क्योंकि खुद के घर का लगाव और प्यार और उसकी लगन क्या होती ना, वो मैं और मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं जानते। तो बस अब आगे बढ़ने का टाइम है और मेरे सारे ग्रुप वाले भी आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, वो अपनी करनी भोगेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बस एंड सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच।